नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज, आपका शहर आपकी आवाज। आप नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। पूर्णिया से एक बड़ी खबर आ रही है, कान में ईयरफोन लगाकर बाइक चलाना, दो युवक को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। वहीं तीसरा युवक जीवन और मौत के बीच अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। घटना सदर थाना क्षेत्र के दमका निर्मला पेट्रोल पंप के समीप घटी है, जहाँ एक बाइक पर सवार तीन युवक परसोनी जा रहे थे। कान में ईयरफोन लगे रहने की वजह से ट्रक का हॉर्न सुनाई नहीं पड़ा और तीनों ट्रक के चपेट में आ गए, जिससे घटनास्थल पर ही दो युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। ये लड़का जो है, तीन गो लड़का था एक बाइक पे, उसके बाद जा रहा था परसोनी जा रहा था और उसके बाद जो है निर्मला पेट्रोल पंप के पास जो है और ये लड़का सबको कान में ईयरफोन लगे ले था, उसके बाद जो है सुना नहीं पड़ा ट्रक वाला कैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, इतना तो हमको जानकारी है। कितना का मौत हुआ? दो ठो का मौत हुआ, एक ठो का इलाज चल रहा है। वह प्रमोद कुमार यादव, सदर थाना। जैसे हम लोग रात में खबर मिला कि ये तीन लड़का था, एक लड़का अपने गाँव का है और दो लड़का मधोपाड़ा का है। ये लोग रात में बरसोनी कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में ही कोई ट्रक आंध्र प्रदेश नंबर का है वो इनको ठोक दिया है और स्पॉट डेथ शायद दो जन वहीं पर हो गए थे और एक जन का भी मैक्स सेवन में इलाज चल रहा है। एक लड़का है रिक्की कुजूर, वो हमारे गांव का है। दूसरा लड़का माधोपाड़ा का है, शायद एक जन का नाम अजय चौधरी है और एक जन मैक्स सेवन में इलाजरत है।